आज हम कर रहे हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हम इसीलिए करते हैं कि अगर आपके पास एक चीज की मोलैरिटी का पता है और आपके पास अगर नॉन रिएक्शन है तो दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज के बीच में आप टाइट्रेशन कर रहे हो आपको एक नॉन रिएक्शन। थर्ड स्टेप आपको ये याद रखना है कि जो आप टाइट्रेशन कर रहे हो उसमें किस तरह की रिएक्शन, जैसे आज जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन। हम ग्राफाइट बेरिट से ऐड करेंगे। पहले हमने इसमें क्या लिया है कि आपके पास 0.4 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, और हमने इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। तो अब हम इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन। यहाँ पे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट की। सबसे पहले हमने 0.4 मोलैरिटी का ऑक्सैलिक एसिड लिया इसमें सिलेंडर के अंदर 10 ml। उसके बाद हमने उसमें डाइट्रोसल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और सब और अब हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तब तक जब तक ना इसका जो कलर होता है जो कलर होगा वो लाइट पिंक आएगा। तो अब हम तब तक इसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते रहेंगे जब तक ना इसका कलर जो होगा वो लाइट पिंक आएगा। आज हम टाइट्रेशन कर रहे हैं ये क्या बोलते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट की। तो हमें जो है पोटेशियम ये ऑक्सैलिक एसिड जो है 0.4 मोलैरिटी का लिया हुआ है और हमें पता करना है कि जो हमने ये क्या बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट है ये कितनी मोलैरिटी का है। तो इसके लिए हम टाइट्रेशन करेंगे। सबसे पहले ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको ब्यूरेट में डाल देंगे। जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो हमने जीरो तक पहुंचा दी है और अब हम जब इसमें सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड का जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें हम कंटिन्यूअसली इसका ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे और चेक करेंगे कि किस रीडिंग पे ब्यूरेट की किस रीडिंग पे जो है हमारे ऑक्सैलिक एसिड का जो कलर है स्लाइटली पिंक आता है। अभी हमने क्या कर लिया, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा हमने लिया उसको डाइल्यूट कर दिया उसको हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसके अंदर 10 ml जो है इसके मेजरिंग सिलेंडर के साथ 10 ml ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसके हम 2 या 3 ड्रॉप जो है फिनोक्लिन के सॉल्यूशन के डालेंगे और हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे। कि अभी सॉल्यूशन जो हमारा लाइटली पिंक हो चुका है
और अब हम जो है इसको बंद करेंगे और इसकी रीडिंग लेंगे। यहाँ से मोलरिटी करेंगे, यहाँ से देखिए इसकी रीडिंग जो हमारे पास 20 आ चुकी है और इसका यूज करके हम जो है मोलरिटी चेक करेंगे हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट की क्या मोलरिटी है।